लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। कॉमेडी और डांस के किंग कहे जाने वाली बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की फैन फॉलोविंग आज भी लंबी चौड़ी है। एक वक्त था जब उनकी फिल्म रिलीज होती थी तो हर थिएटर के बाहर पहले दिन से ही हाउसफुल के बोर्ड लटक जाते थे, लेकिन अब हाल कुछ ऐसा है कि गोविंदा दोबारा बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इस बारे में भनक भी नहीं लग पा रही। दरअसल गोविंदा और वरुण शर्मा की फिल्म फ्राई डे 25 मई को रिलीज होगी। रिलीज में सिर्फ एक दिन बाकी है और इसकी कोई खास चर्चा नहीं हो रही। पिछले कुछ सालों में गोविंदा बड़े पर्दे से जैसे गायब से हो गए हैं। उनके करियर का ग्राफ नीचे जाने के पीछे कई बड़ी वजहें हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब गोविंदा ने एक साल में 40 फिल्में साइन कर डाली। गोविंदा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे शूटिंग सेट पर काफी देर से पहुंचते थे। उनके लेट आने से न सिर्फ क्रू को इंतजार करना पड़ता था बल्कि निर्देशक और कोएक्टर्स भी नाराज हो जाते थे। गोविंदा की जितनी भी फिल्में सुपरहिट रही उनमें से ज्यादातर उन्होंने डेविड धवन के साथ की थी। डेविड और गोविंदा की जोड़ी सुपर सक्सेस थी। कहा जाता है कि गोविंदा ने डेविड धवन के साथ झगड़ा कर लिया था। आजकल के बॉलीवुड एक्टर्स न सिर्फ बेहद फिट होते हैं बल्कि रोल के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। गोविंदा ने अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वक्त के साथ उनकी फिजिक खराब होती गई और इससे उनकी अपील में फर्क आया।